Hi guys, I'm Stuti from eVidyarthi. और हम कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस सेशन में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल ट्रीटमेंट और इसके क्या क्या आइटम्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमारे पास है, इसके फॉर्मेट में आता है जैसे कि नॉर्मल अकाउंट होता है। हमने बात करी थी ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम ये अकाउंट बनाएंगे। हमारा पहला आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक, यानी जो भी हमारा ईयर के स्टार्टिंग में स्टॉक बचा हुआ होता है उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड पे, टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। ध्यान से देखना, यहाँ वर्ड लिखा है नेट। नेट का मतलब होता है यानी जितने भी हमारी परचेजेस हो गई माइनस जो भी हमारे परचेज रिटर्न हुए उनको लेस करके जो फिगर आएगी उसको हम लिखते हैं नेट परचेजेस में। ये होता है हमारा सेकेंड आइटम। थर्ड होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पहले भी प्रीवियस सेशंस में बात कर रखी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन में या गुड्स को सेलेबल फॉर्म में लाने के लिए खर्च किए जाते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद ये फिगर तो हमें फाइंड करनी होती है बाय नेट सेल्स। बाय नेट सेल्स का मतलब अगेन वर्ड यूज हुआ है नेट, यानी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी जितनी भी हमारी सेल्स हुई और उसमें से हम लेस कर देंगे कि जितने भी आइटम्स हमें सेल्स रिटर्न हुए हैं, जो फिगर हमारे पास आएगी उसको हम बोलेंगे नेट सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी ईयर के एंड में जितना स्टॉक हमारे पास, जितनी गुड्स हमारे पास वेयर हाउस में बची हुई है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब जब हम डेबिट साइड, जब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट हमें डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज से हुआ है, या फिर अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। ग्रॉस लॉस को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन एम होता है ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं तो आपका जवाब होगा हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड कर सकें। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन एम होता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। हमारी पहली टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितने जो गुड सेल हुई उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। तो ये कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक, और इन सारे आइटम्स को अगर हम इकट्ठा कर ले, इन सारे आइटम्स को अलग अलग लिखने की जगह अगर हम एक ही चीज लिखे तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी इन चार आइटम को हम एक साथ बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का हमारे पास एक और तरीका है, या तो हम ये अकाउंट बनाए या हम ग्रॉस प्रॉफिट को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई यहाँ पे भी तो हमने इस अकाउंट में वही किया, सेल्स में से हमने ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, परचेजेस माइनस कर दी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, यही करा है हमने यहाँ पे, और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करा है। तो वही चीज हमने करी, सेल्स हो गई माइनस ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्लस हो जाएगा। तो बस हमने अकाउंट फॉर्म में ना लिखने की जगह इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है, अगर हम
इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस वाला आइटम हटा दे, जो भी हमने अभी कंसिडर किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, अगर हम वो हटा दे, यानी हम इतने आइटम ले सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, जितने भी स्टॉक से रिलेटेड आइटम है, इन तीन आइटम को हम एक साथ बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस। तो अगर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि एडजस्टेड परचेजेस का यूज करो या एडजस्टेड परचेजेस की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ये सारे आइटम्स ना लिख के, ये तीन आइटम्स अलग अलग ना लिख के डायरेक्टली टू एडजस्टेड परचेजेस लिख दोगे, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि ये तीन आइटम्स को आपने एक साथ ले लिया। तो बस फर्क वही है कि हमने या तो अलग अलग लिख दिया या फिर एक ही आइटम लिख दे, दैट इज द डिफरेंस। तो इस तरह से हम बनाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको ये अकाउंट समझ आया होगा, एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।